नमस्कार, मैं मुकेश चौधरी, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम टीवी। आज हम आए हैं जयपुर के मुहाना अनाज मंडी में हैं। लगभग सरसों की फसल तैयार हो चुकी है और किसान फसलों को लेकर मंडी की ओर रवाना हो रहे हैं। मुहाना मंडी की व्यापारी से हम बात करेंगे कि सरसों के भाव और उतार चढ़ाव मार्केट में अब की बार किस प्रकार रहेंगे। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में अब की बार अच्छी माउट होने के कारण और ओलावृष्टि से किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। इस प्रकार से आकांक्षा जताई जा रही है कि अब की बार पिछली बार से अच्छी सरसों की आवक हुई है। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश मेहता है। मैं अनाज मंडी मुहाना में हमारा आढ़त का व्यापार है और हमारा ट्रेडिंग का भी काम होता है, साथ में एक्सपोर्ट का भी काम होता है। और सरसों की फसल को देखते हुए इस बार सरसों की जो टोटल उत्पादन है वो करीबन 125 लाख टन के आसपास होना चाहिए। ये मेरा अनुमान कहता है कि 125 लाख टन के आसपास अनुमान होना चाहिए। अभी सरसों का जो तेल का भाव है वो करीबन 105 रुपये प्रति लीटर का है और करीबन 14.5 लाख बोरी की अब तक मेरे को आवक का अनुमान है कि 14.5 लाख बोरी अभी तक आवक हो रही है पूरे राजस्थान की मंडियों में। और जैसे जैसे आवक का प्रेशर बढ़ेगा मंडियों पे तो भावों में 100-200-300 रुपये की गिरावट और आएगी, जिससे खाद्य तेलों के बाज़ार में गिरावट आने की आशंका है। और जो भाव हो सकते हैं खाद्य तेलों के वो न्यूनतम हो सकते हैं 95 रुपये प्रति लीटर और उच्चतम अभी जो चल रहा है 105, तो ये 105 से लेके 110 रुपये तक उच्चतम स्तर के भाव हो सकते हैं। एक बार 95 रुपये तक सरसों तेल का बाज़ार आ सकता है नीचे में, उसके बाद में आपके जो है सरसों तेल का बाज़ार वापस बढ़ेगा तो सरसों में भी जो है तेजी देखने को मिलेगी। और अभी जो सरसों का भाव चल रहा है बाज़ार में वो करीबन चल रहा है 4800 से लेके 5200 रुपये, वो उसके मॉइस्चर पे और तेल की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि तेल कितना है उस पर। अच्छी सरसों के भाव आज की तारीख में 5200 रुपये है, 5200 से लेके 5300 रुपये भी कुछ और भी सरसों आ जाती है जिस हिसाब से तेल के भाव बाज़ार में निकल के आ रहे हैं। और सरसों की डिमांड भी अभी अच्छी बनने के आसार है। पाम जो ऑयल है उसमें भी अभी तेज़ी देखने को मिलेगी जिस हिसाब से सरसों में, इस हिसाब से 100-200-300 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा डाउन आएगा, उसके बाद में बाज़ार वापस से तेज़ी का रुख लेगा। खाद्य तेलों की हम बात करें तो मूंगफली का जो तेल है, मूंगफली के तेल में भी अभी किसी प्रकार का कोई मंदा नहीं है और लगातार इसके भाव बढ़ रहे हैं और आगे भी भाव बढ़ते रहेंगे जिस हिसाब से लगातार डिमांड बढ़ रही है। किसान किस प्रकार से या जैसे पैदावार हुई है खेतों के अंदर वो अब की बार अच्छी हुई है या फिर पिछली बार से नहीं? फसल की रिपोर्ट जो है वो बहुत अच्छी है, किसान की अब की बार फसल का उत्पादन ठीक रहा है। अभी मार्च का महीना चल रहा है, अभी करीबन 14.5 लाख बोरी की आवक राजस्थान की मंडियों में देखी जा रही है। सरसों का उत्पादन अच्छा है पर साथ ही साथ अब त्योहारी सीजन आएगा तो तेलों की भी डिमांड बढ़ेगी, पर जो आवक का प्रेशर बढ़ेगा तो एक बार बाजार जो है मंदी की तरफ जा सकता है। डिमांड बहुत अच्छी है और आगे भी डिमांड बहुत अच्छी रहने वाली है। तो आपकी इस मुहाना मंडी में रोजाना कितने ट्रैक्टर या किसान सरसों के लेकर आ रहे हैं? देखिए, अभी तो सीजन की शुरुआत हुई है, हमारे यहाँ मंडी में करीबन 60-70 ट्रोली आती है सरसों की और बहुत अच्छा भाव भी मिल रहा है किसानों को। हम बहुत अच्छा दाम देने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को।